हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स के इंग्लिश मीडियम का चैप्टर फिफ्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास सिक्स इंग्लिश मीडियम की एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स से। क्वेश्चन नंबर सिक्स से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कह रहा है कि हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जब इट इज एट, जब थ्री ओ क्लॉक होंगे। तो थ्री ओ क्लॉक होंगे किसी भी वॉच में, किसी भी वॉल वॉच हो, कोई भी वॉच हो, ठीक है ना, दीवार घड़ी हो, तो उसमें थ्री ओ क्लॉक होंगे तो उस समय जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये हमको क्या करना है, निकाल के बताना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये वॉच है और यहाँ पर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 और ये 9 है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या, ये यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, 3 o'clock, तो मतलब 3 o'clock क्या हो रहा है, बन रहा है। तो यहाँ पे 3 o'clock हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितने का होगा, वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो द एंगल इज 90 डिग्री, कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, ऐसे ही हमको फिर हमको बताना है 6 o'clock में कौन सा एंगल होगा, तो यहाँ पर 3 o'clock पे कौन सा एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इसी का ये सेकंड क्वेश्चन है, 6 o'clock में बताना है। तो यहाँ पे ये वॉच बनाई हमने, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अब हमको पता है ये 6 क्या हो रहा है, ये 6 o'clock है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा, तो द एंगल इज लीनियर एंगल, कौन सा एंगल होगा, तो कौन सा एंगल होगा वो होगा हमारा लीनियर एंगल, कौन सा एंगल होगा, तो लीनियर एंगल होगा। तो द एंगल इज लीनियर एंगल, कौन सा एंगल होगा, लीनियर एंगल होगा, ठीक है ना। तो लीनियर मतलब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने का बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और 180 डिग्री एंगल को हम कहते हैं लीनियर एंगल, ओके है ना। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट है हमारा 9 o'clock, तो 9 o'clock पे कितने होंगे, तो ये हमारी वॉच है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 9 o'clock हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, कितना बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे द एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना, कितने डिग्री का होगा, तो द एंगल इज विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे द एंगल विल बी 90 डिग्री, तो जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सकता है, और अगर यहां से हम यहां पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री भी हो सकता है, और अगर इस पूरे कंप्लीट अगर पूरी सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, तो वैसे देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहां पे, लेकिन यदि यहां पे देखा जाए तो एंगल बनेगा 270 डिग्री, कितना बनेगा, 270 डिग्री, कितना बनेगा, 270 डिग्री। तो इस टाइप से आपको क्या लिखना है, आंसर राइट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, यहाँ पे बनना है 12 o'clock, कितने हो रहे हैं, 12 o'clock,
तो यहाँ पे टॉयलेट लॉक हो रहा है हमारे, तो हमको बताना है टॉयलेट लॉक में कि यहाँ पे जो टॉयलेट लॉक में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो ये यहाँ पे ये वॉच है, यहाँ पे ये ट्रॉयल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमको ये बताया कि यहाँ पर टॉयल क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक ये बड़ी है, फिर एक ये छोटी है, और यहाँ पर एक टॉयल हो रहा है। तो यहाँ पर जो देखो ये पूरा का पूरा सर्कल जब ये कंप्लीट करके आई होगी तो 0 डिग्री का एंगल बना रही होगी। कितने डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर द एंगल विल बी 0 डिग्री, या फिर पूरा का पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करके आई है तो फिर यहाँ पर बनेगा 360 डिग्री। कितने का एंगल बनेगा, या तो 0 डिग्री का बनेगा या फिर 360 का एंगल आपका मेक होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से टॉयल क्लॉक में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो आपका 360 का बनेगा और 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। इस टाइप से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन जब 2 आर ऑफ क्लॉक एट 3 o'clock। जब हम 3 o'clock बज रहे हैं और हम 2 आर क्या हो रहे हैं, 2 आर ऑफ 3 o'clock। तो 3 o'clock पे जब 2 आर खड़ा हूं, 3 o'clock पे हूं, तो कौन सा देख एंगल बनेगा, तो वो बनेगा राइट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा, तो राइट एंगल बनेगा फर्स्ट वाले का आंसर। फिर सेकंड वाले 2 आर ऑफ क्लॉक एट 6 o'clock, तो वो बनेगा आपका सेकंड वाले में लीनियर। कौन सा एंगल बनेगा आपका, लीनियर, जो कि मैं अभी भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन भी किया है। फिर थर्ड वाला है हमारा 2 आर ऑफ क्लॉक 8, तो यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल मैंने आपको पहले से बता दिए हैं, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है वो ऑब्ट्यूज होता है और जो 90 डिग्री से लेस देन होता है वो एक्यूट होता है। तो यहाँ पर जो 2 आर ऑफ 8 o'clock तो कितना होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। फिर फोर्थ वाला है क्वेश्चन हमारा 2 आर ऑफ क्लॉक 12, तो यहाँ पे कंप्लीट बनेगा, यहाँ पे कंप्लीट एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल बनेगा। फिर 2 आर ऑफ क्लॉक एट 2 o'clock, तो यहाँ पे लीनियर बनेगा। फिफ्थ वाले में कौन सा बनेगा, तो लीनियर एंगल बनेगा। फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सॉरी लीनियर नहीं बनेगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है ना। ये 2 o'clock होंगे ना, जब 2 आर में 2 o'clock पे होंगे ना, तो वहां पे कौन सा एंगल बनेगा, वहां पे एक्यूट एंगल बनेगा। और जो 6 वाला होगा ना, वो आपका होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनेगा आपका, नॉर्थ और साउथ, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है दोनों डायरेक्शन में, तो लीनियर एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, लीनियर एंगल बनेगा। फिर यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो यहाँ पर सेवन वाला है, यहाँ पर आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। फिर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ डायरेक्शन में आपका राइट एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, तो राइट एंगल बनेगा। तो इस टाइप से क्या करना है, इनको आपको अपनी बुक में फिल करना है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 5.1 वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।